शिव जी क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं। पशु बुद्धि दूर कर देते हैं, पापों को ध्वंस कर देते हैं। पशु नाम पति पाप नाशम परेशम, पशु नाम पति पाप नाशम परेशम। पशु बुद्धि का नाश कर देते हैं, पाप का नाश कर देते हैं। और गुरु कौन है? गुरु परमेश्वर है। दिखाई न दे तो हमारी आंख की कमजोरी है। सूर्य छोटा दिखता है धरती पर से, वो हमारी आंख की कमजोरी है। सूर्य इतने छोटे नहीं है। पशु नाम पति पाप नाशम परेशम, पशु नाम पति पाप नाशम परेशम। गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं, गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं। गुरु कौन है? वरण करने योग्य है। गायत्री मंत्र में वरेण्यम शब्द आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उन्हीं का वरण करो। ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, ये जो वर शब्द आता है, युवक युवतियां बोलते मैं इसका वरण करूंगी, मैं इसका वरण करूंगा। अभी आंख में गहराई नहीं है, शारीरिक सौंदर्य दिखता है, पर शारीरिक सौंदर्य की अनित्यता क्यों नहीं दिखती? इसलिए वरण करने योग्य तो वही है। जटा जूट मध्य स्फुरद गांगवारी, जटा जूट मध्य स्फुरद गांगवारी। जिनकी जटाओं में गंगा बसती है, शिवजी की जटाओं में वो गंगा जिसमें लोग स्नान कर रहे हैं, भागीरथी गंगा जो शिवजी की जटाओं से निकलकर बह रही। गुरु के मस्तिष्क में भी ज्ञान की गंगा जो हम साधकों को पावन कर देती, गुरु के मुख से बहती और हमारे कानों में प्रवेश करके हमारे अंतर के कलमशों को दूर करती, हमारा हृदय राग रहित बनाती, आसक्ति रहित बनाती। जटा जूट मध्य स्फुरद गांगवारी, जटा जूट मध्य स्फुरद गांगवारी। महादेव मेकं स्मरामि स्मरामि, महादेव मेकं स्मरामि स्मरामि। ऐसे महादेव का, गुरुदेव का मैं बार बार सुमिरन करता हूं, क्योंकि उनके सुमिरन से स्मरण काम विकार का एक पर्यायवाची नाम है स्मर, आधा स म र स्मर। स्मर का मरण सुमरण, सदगुरु के सुमरण में शक्ति है कि इस स्मर का नाश हो जाए। महादेव मेकं स्मरामि स्मरामि, महादेव मेकं स्मरामि स्मरामि। बार बार सुमिरन करना, बार बार।
दिन में रात में कभी भी आंखें बंद करके देखें कि मेरे अंदर किसका चेहरा, किसकी आकृति बन रही है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति की आकृति बन रही हो तो प्रार्थना करना कि अभी तक मेरे मन में इनका चिंतन क्यों होता है। महेशम सुरेशम सुरारतिनाशम महेशम सुरेशम सुरारतिनाशम विभूम विश्वनाथम विभूत्यंग भूषम विभू विश्वनाथम विभूत्यंग भूषम महेशम। वो महान ईश्वर है, हमें भी महानता की ओर ले जाते हैं। चंद्र सूर्य और अग्नि, ये जिनकी तीन आंखें हैं, हमारी आंखों में भी चंद्रमा जैसी पवित्रता और शीतलता आ जाए, हमारी आंख में भी सूर्य जैसी पवित्रता आ जाए, किसी के प्रति हमारी आंख गलत भाव से न जाए। अग्नि विकार को जलाने वाली अग्नि, तीसरी आंख जिसने कामदेव को जला दिया, वो गुरु की उपासना से प्राप्त हो सकती है। तीसरा नेत्र, दो आंखों से गुरु की तस्वीर को देखो, फिर आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करो, तो इसमें जो जितना सफल होगा वो उतना इन विकारों को जलाकर मारने में सफल हो जाएगा। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य, ये तीन जिसकी आंखें, ऐसे गुरु का, शिव का ध्यान करने वाला भी वो शक्ति प्राप्त कर लेता। बाप की मिलकत का अधिकारी बेटा ही तो होता है। रुपया पैसा कोई सच्ची मिलकत नहीं है, ये सच्ची वसीयत है जो शिष्य गुरु से पा सकता है, गुरु की उपासना से पा सकता है। और फिर इससे क्या होगा, सुरार आरती नाशम, साधकों के जीवन में जो विपत्तियां आती है वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। महेशम सुरेशम सुरारतिनाशम महेशम सुरेशम सुरारतिनाशम विभूम विश्वनाथम विभूत्यंग भूषम विश्वनाथम विभूत्यंग भूषण। विभु माने समर्थ है, असमर्थ नहीं है गुरु, समर्थ गुरु का ध्यान करने वाला शिष्य भी समर्थ हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में वो अपनी भक्ति को, अपनी उपासना को बिखरने नहीं दे, घोर दुखद परिस्थिति आ जाए फिर भी उसकी भक्ति और श्रद्धा में कमी ना आए। गुरु विभु है और विश्वनाथ सबके नाथ है, ऐसा नहीं कि खाली अच्छे काम करने वालों के ही नाथ है, अगर किसी से कोई गलती हो गई तो उसके भी नाथ है। विश्वनाथम, विश्व में तो सब आ गए। विभूत्यंग भूषम, गुरु ऐसे करुणा सिंधु हैं कि उन गुरु का ध्यान करने वाले साधक में भी उनके सद्गुण आ जाते हैं, दैवी। केवल अपने में कोई दोष है तो उसको याद न करें, हम गुरु के दैवी गुणों को याद करें तो वो अपने में आएंगे, अपने दोषों को याद रखेंगे तो वो बने रहेंगे, और गुरु के दैवी गुणों को याद करेंगे तो शिवजी के त्रिशूल के आगे दैत्य टिक न पाए,
माँ दुर्गा के त्रिशूल के आगे शुंभ विशुंभ और महिषासुर टिक नहीं पाए। विरूपाक्ष मिंद्वर कवन त्रिनेत्रम विरूपाक्ष मिंद्वर कवन त्रिनेत्रम। तीन आंखें गुरु की, चंद्र सूर्य और अग्नि। सूर्य को अर्घ देते समय ये भाव करें, ये मेरे गुरु के ही नेत्र हैं। पूनम की रात को चंद्रमा को अर्घ दें तो भी ये भाव, सुबह दीप जलाकर बैठे तो ये भाव, गुरु के सामने बैठे हो, तस्वीर के सामने हो तो भी ये भाव। और तस्वीर तो बोलने के लिए बोलते हैं, पर जो वास्तव में शिष्य होता है उसके लिए तस्वीर नहीं होती, उसके लिए तो गुरु होते हैं। उसको तस्वीर नहीं दिखेगी। जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य की मूर्ति नहीं दिखती थी, द्रोणाचार्य दिखते थे। मीरा को कृष्ण की मूर्ति नहीं दिखती थी, कृष्ण दिखते थे। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ भगवान की मूर्ति नहीं दिखती थी, जगन्नाथ भगवान दिखते थे। तो हर साधक का ऐसा भाव हो तो फिर उस साधक को कदम कदम पर गुरु की कृपा के अनेकों अनेक अनुभव होते रहते हैं।